हेलो दोस्तों, सानन जेडीसी यूट्यूब चैनल पे आज मेरे साथ एक कंपनी के एचआर है कॉल पे। तो हम कंपनी के एचआर से ही आपको डायरेक्ट बात कराएंगे। ये जो जॉब किस तरीके से रहने वाली है, ये जॉब अहमदाबाद लोकेशन पे है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अंत तक वीडियो देखना। बिग बास्केट जैसी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो अच्छी खासी सैलरी पे, और ये एक परमानेंट जॉब है, तो कंपनी के एचआर से ही हम पूछेंगे। आप सर, आपका नाम और आप कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। हाय, गुड इवनिंग ऑल। तो मेरा नाम चिरंजीत है। मैं यहाँ के अभी अहमदाबाद लोकेशन के टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर हूँ। तो कंपनी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बिग बास्केट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इंडियन एमएनसी कंपनी है। जिस तरह के बाकी जो अदर्स जो कंपनीज हैं उस तरह से ये बिग बास्केट ये B2B एंड B2C में डील करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर्स लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ग्रोसरी प्रोडक्ट, किराने का सामान, उसके साथ साथ डेली डेली नीड्स जैसे हो, मतलब आपके कुछ कॉस्मेटिक गुड्स हो गए, आपके कुछ मिल्क प्रोडक्ट हो गए, स्टेपल फूड्स हो गए, तो ये सब यहाँ से कंपनी से B2B एंड B2C दोनों में डिलीवरी की जाती है। ओके सर, तो मतलब कि एक वेयर हाउस तरीके से या स्टोर जैसे हम देखते हैं वैसे ही जॉब हुआ, ऐसे ही ना? हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर स्टोर वेयर हाउस है जो कि बहुत लार्ज स्केल में, बहुत बड़े स्केल में वेयर हाउस है सारे अहमदाबाद में। तो अभी जो वेयर हाउस जो है तो वहाँ पर हम लोग के वहाँ से छोटे छोटे हब्स में सामान डिलीवरी होते हैं। ओके सर, तो और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर, ये जो जॉब है इसके मतलब कि बेनिफिट्स क्या है, मतलब कि फैसिलिटीज क्या है, जो कि ज्यादातर लोगों को वही सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि क्या कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए उस चीज को भी। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी पाएंगे कि देखिए सैलरी के साथ साथ कंपनी जो अदर बेनिफिट्स दे रही है, जो बाकी कोई भी कंपनी आज के कंपैरिजन में उतना बेनिफिट नहीं देती। जैसे कि फर्स्ट थिंग, यहाँ पर वन टाइम फूडिंग दी जाती है, खाना जो कि कंपनी की तरफ से दी जाती है, तो इसके लिए कंपनी कुछ चार्ज नहीं करती है। ये जो खाना है ये जितने भी शिफ्ट हैं, डे नाइट मॉर्निंग जो भी शिफ्ट रहेंगे, तो उसमें ये एक वन टाइम का खाना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, जैसे ये गवर्नमेंट जॉब्स या फिर बड़े जो स्केल के जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर जैसे आपका ग्रेचुइटी बोनस दी जाती है, तो इस तरह से हम लोग ग्राउंड लेवल के सारे एम्प्लॉय, जो ग्राउंड लेवल एंड अपर लेवल सारे एम्प्लॉय को हम लोग ग्रेचुइटी देते हैं। 5 साल आप काम करेंगे तो 5 साल के बाद जितना भी आपका वो ग्रेचुइटी अमाउंट होता है, जो कि एक मोटा अमाउंट होता है, तो अमाउंट आप 5 साल के बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो वो मोटा अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर बाकी बहुत से कंपनीज में जो कि वेयर हाउस में, मेरे पास बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं कि बहुत से एम्प्लॉयज जो कि वेयर हाउस में काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है कि 2 मंथ 3 मंथ का जॉब होता है। और दूसरा चीज है कि कंपनी जब उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर ऑर्डर काउंट कम हो जाते हैं तो वो लोग को बोलते हैं कि अभी ऑर्डर उतना नहीं है तो आप लोगों को अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है, तो वो लोग 2 3 महीना बाद वो लोग जॉब लेस हो जाते हैं, फिर इधर उधर घूमते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ मेरे पर हिसाब ऐसा से एक कुछ नहीं है। एडवांस पॉइंट रहेगा ये, मतलब कि जो लोग वेयरहाउस में जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ये। और जी एक हाँ जी हाँ और पी ग्रेजुएटी, तो मतलब कि अपने जो भी सैलरी रहेगी सीटीसी सैलरी से, उसमें से कुछ अमाउंट काटा जाएगा 5 साल के बाद। वो आपको मतलब कि कुछ 5% 4% डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उसके हिसाब से जो भी काउंट होता है वो 5 साल के बाद मिलेगा, वैसा ही रहता है ना सेम पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि हाँ, सिर्फ ये एम्प्लॉय के साइड से, मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, और मैं अभी तक जितनी भी कंपनी में काम किया है, तो एक मतलब कि ग्रेजुएटी अमाउंट काटा जाता है, मतलब कि समझो कि 20-25 हज़ार सैलरी है, उसमें से 400-500 रुपये काटा जाएगा, उसमें से 8% इंटरेस्ट लगा के 5 साल में जितना भी अमाउंट बनता है, वो अमाउंट आपको अगर आप जब 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब भी जॉब रिजाइन देते हो, उस टाइम पे वो पूरा अमाउंट आपको मिलता है सैलरी के साथ, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल यही ओके है। सर, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसमें जॉब के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल के लिए क्या काम रहेगा और मेल के लिए क्या काम रहेगा, मतलब हमारे यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है तो वो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। हमारे यहाँ पर पिकर, पैकर, स्टैकर, लोडर, अनलोडर, इस तरह के सारे प्रोफाइल्स हैं। तो ज्यादातर हम लोग फीमेल से लोडिंग अनलोडिंग नहीं कराते हैं, तो उनके क्वालिफिकेशन या फिर उनके नॉलेज के हिसाब से हम लोग पिकर, पैकर और स्टैकर, ये तीन प्रोफाइल में हम लोग उनको ज्वाइनिंग कराते हैं। ओके सर, और एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि समझो कि कोई यूपी से है या बिहार से है, अनदर मतलब राज्य से, और वो ये जॉब करना चाहता है, तो उनको रूम ढूंढना भी दिक्कत होगी थी, तो अगर आपकी टीम कुछ हेल्प कर सके उसमें, मतलब कि उनको पेमेंट तो वही लोग देंगे, क्योंकि समझो कि मैं कुछ गुजरात में ही किसी अदर लोकेशन से वहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहा हूँ, तो रूम या पीजी की कोई फैसिलिटी जो आपको रेफरेंस से मिल जाए तो बेटर रहेगा, तो वो चीज़ आप अगर रेफर कर सकते हो तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो कोई है आपके पहचान में कि हम मैं दूसरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर लूँ? अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे साथ बहुत से ऐसे बाहर के स्टेट से आके वो लोग काम कर रहे हैं, और हमारे वेयर हाउस के बेस्ट पॉइंट है कि हमारे वेयर हाउस के आसपास बहुत से पीजी या फिर रूम रेंट मिलते हैं जो कन्वीनियंट होते हैं। तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और वो बाहर से आना चाहता है, तो अगर उसके जान पहचान में दो तीन दोस्त या चार दोस्त हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगा अगर वो लोग क्वालिफाइड हैं, थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है, इंटरेस्टेड है, तो वो लोग अगर एक साथ अगर आके यहाँ पर काम करते हैं और रहते भी हैं, तो इससे क्या होगा, जो रूम रेंट का जो कॉस्ट होगा ना, तो वो सब में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी को। यस यस, ओके सर, तो ये चीज भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। और ओवर टाइम का कुछ है सर अवेलेबल या तो? बिल्कुल, ओवर टाइम का भी यहाँ पर क्या होता है ना कि ज्यादातर ओवर टाइम तो होते नहीं है जो एज पर दी आई मीन लेबर लॉ, लेकिन अगर ओवर टाइम होते भी हैं तो उस ओवर टाइम के लिए हम लोग ओवर टाइम बोनस भी हम लोग पे करते हैं। ओके थैंक यू सर। और भी मेरे क्वेश्चन का सर, ये जॉब जिस जो बंदे इंटरेस्टेड है इस जॉब के रिगार्डिंग, तो वो अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा और प्रोसेस क्या रहेगा उसका, उसके रिगार्डिंग आप बता दे सकते हो? ओके, तो इस वीडियो में आपको कुछ दो तीन नंबर आपके सभी के स्क्रीन में विजिबल होंगे, तो आपको उन नंबर के साथ कनेक्ट करना है, एंड आप फिर बाकी प्रोसेस वो लोग आपको समझा देंगे। एंड फिर भी मैं ये बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आपको लगेगा आपका लास्ट क्वालिफिकेशन 10th pass 12th pass जो भी है आपका, वो क्वालिफिकेशन मार्कशीट आपको लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है और बैंक डिटेल्स लगते हैं, बस ये चार डॉक्यूमेंट्स। जब कॉल करेंगे उस टाइम पे उनको, मतलब कि आपकी टीम तो एक्सप्लेन करने वाले, उस टाइम पे उनको कोई रिज्यूम या तो अनदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ देना है व्हाट्सएप पे या? अभी तो आई मीन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ नहीं देना होता है, जिस दिन वो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं तो हम लोग फर्स्ट एक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कराते हैं, अगर उस इंटरव्यू में कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उसके बाद ही हम लोग उससे डॉक्यूमेंट लेते हैं, बाकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो हम लोग करवाते हैं। और इस जॉब के लिए किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज हो या ज्वाइनिंग चार्ज या वो कोई अनदर कोई चार्ज है? नहीं, ये टोटली फ्री जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि मतलब ऑन रोल अपॉर्चुनिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तो इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगती है। ओके सर, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से बनाए और बच्चों को सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके जॉब के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो सके तो हम उसके ऊपर दूसरा भी वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके डाउट और ये सारी चीज वापस हम रिपीट करेंगे। और जो भी डाउट है तो जो कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है, वो लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अनदर अगर आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अलर्ट जॉब का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाके, या तो वहां पे फीडबैक फॉर्म मिलेगा, वहां से आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी डाउट है इस जॉब के रिगार्डिंग, अगर आप हमारी हेल्प, मेरी टीम की हेल्प लेना चाहते हो, अदरवाइज आप जो स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे उस कॉन्टेक्ट नंबर से आप या तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ। और सर आपका भी धन्यवाद, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया मेरे सब्सक्राइबरों को, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।